मित्रों सब्सक्राइब कीजिए ज्योतिष निकेतन चैनल को और बेल आइकन को दबाइए नई वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। मित्रों नमस्कार, आज सेहत संबंधी चर्चा करेंगे। स्वस्थ रहना चाहते हैं तो तन से विषैले तत्व बाहर रखें। आजकल पर्यावरण बिगड़ा हुआ है, वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा है, जंक फूड ज्यादा खाया जाता है। इन सब कारणों से वे मिलावटी खाद्य पदार्थ खाने से शरीर में विषैले तत्व की अधिकता हो जाती है, जिससे हमारा शरीर अस्वस्थ रहने लगता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शरीर से विषैले तत्व बाहर निकालते रहना चाहिए। ऐसा कैसे करें? वायु प्रदूषण सबसे गंभीर समस्या है। श्वास संबंधी दिक्कतें आने लगती हैं, खांसी बढ़ जाती है, गले में खराश रहने लगती है। अदरक तुलसी मिश्रित ग्रीन टी का नित्य खाली पेट सेवन करना चाहिए। तुलसी की पत्ती का काढ़ा बनाकर भी आप पी सकते हैं। युक्त और मसालेदार चीजों से बचना चाहिए। अधिक से अधिक फलों व तरल पदार्थों का सेवन करना चाहिए। गुनगुना पानी पीने से भी शरीर से कई विषैले तत्व बाहर हो जाते हैं। यदि आप दिन भर में 8 या 10 बार गुनगुना पानी पीते हैं तो आपके शरीर से म्यूकस गैस एसिडिटी और शरीर में स्टोर हुए अतिरिक्त वसा की समस्या से आप स्वयं को सुरक्षित कर सकते हैं। इसके अलावा शरीर से अनेक विषैले तत्व भी बाहर हो जाएंगे। यदि आप शराब पीते हैं तो आप शराब पीना छोड़ दें। शराब का बुरा असर आपके लीवर पर पड़ता है, आपका शरीर अस्वस्थ रहने लगता है। गहरी नींद लेनी चाहिए। गहरी नींद लेने से भी शरीर का मेटाबॉलिज्म ठीक रहता है और शरीर से विषैले तत्व स्वतः बाहर होते रहते हैं। चीनी का सेवन अधिक ना करें। यदि आप मीठा खाना पसंद करते हैं तो मीठा फलों के रूप में ग्रहण करें। नमक भी अधिक ना खाएं। सेंधा नमक शरीर के अनेक खनिज पूरे करता है, इसलिए इसका इस्तेमाल करें। सुबह शाम सैर अवश्य करें। शरीर की सक्रियता बढ़ाएं। यदि आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके शरीर से विषैले तत्व अपने आप बाहर हो जाएंगे और आप स्वस्थ रहने लगेंगे, ऊर्जावान महसूस करने लगेंगे। नई चर्चा नई वीडियो के साथ कल फिर मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।